गाइज मेरा नाम शहबाज और आप देख रहे हैं टेकेरीज चैनल को। गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेटीएम में सेलर सपोर्ट पे कैसे आप कांटेक्ट कर सकते हो जो आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो किस तरीके से। तो पहले डैशबोर्ड में आपके आते हैं यूज़र आईडी और पासवर्ड को लॉक करके आप डैशबोर्ड पे आओगे। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा सेलर सपोर्ट पे, यहाँ क्लिक करने पे एक न्यू पेज खुल जाता है। उसमें आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। यहाँ लिस्टिंग का आएगा, कैटलॉग का आएगा, ऑर्डर प्रोसीजर का, पेमेंट्स का, रिटर्न्स का, केयरिंग सेंटर से बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपके जो इशू हो इसमें से आप क्लिक करके आप ले सकते हो, उससे हेल्प ले सकते हैं या उनसे कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं वो यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं कैटलॉग में जाता हूँ, वहाँ क्लिक करता हूँ, वहाँ से मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप टिकट रेज करके आप उसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइज़ यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपका मन करे। तो यहाँ मैं सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ भी देखेंगे एड न्यू प्रोडक्ट्स टू योर लिस्टिंग, ब्रांड रिलेटिव है, आप कैटलॉग लिस्टिंग भी है आपका, मॉडिफाई जो कुछ भी है, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने हैं। तो गाइज एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे कि आप डायरेक्टली अगर आप टिकट रेस करते हो, टिकट रेस करके आप देखेंगे और से लेट्स सी, मैं इसको बाद में बताता हूँ, आप देख लीजिए कि कैसे आप उसको मेल करोगे या कैसे आप लिखोगे टाइप करके, फिर आपको वो रिप्लाई करेंगे। तो पहले यहाँ पे मैं न्यू लिस्टिंग पे मैं क्लिक करके देखता हूँ। देखिए कि गाइस यहाँ पे जो मेरे देखो जो यूज़र आईडी आप डिफ़ॉल्ट में आ जाता है, जो मेरा ईमेल आईडी है, और यहाँ पे आपको रीज़न लिखा हुआ है किस तरीके से। तो अगर सपोज आपका जो सवाल है अगर इसमें नहीं है तो आप काम करिएगा, वहाँ पे एरर जो आपके ऑप्शन आता है एरर का, आप एरर क्लिक करिए, सबमिट में कुछ भी लिखिए कि मतलब किस पर्पज़ से आप उसको लिख रहे हो। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिखोगे, डिस्क्रिप्शन से लिखिए। देखिए यहाँ तीन ऑप्शन आता है, क्लियर का, कॉल की कॉल का, और सबमिट टिकट करोगे, सबमिट टिकट करोगे और मेल से आपको जवाब देंगे और मेल से आपको आपको सवाल पूछेंगे, जो कुछ भी होगा मेल के द्वारा ही होगा। तो कॉल करोगे, कॉल मी पे क्लिक करोगे तो आपको सामने से वो कॉल करेंगे, आपको जो प्रॉब्लम होगी आप बाई डिफ़ॉल्ट कॉल कर सकते हो। और याद रहे कि आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वो 0124 से कॉल करेंगे तो बाई चांस हम होता है कि हम कस्टमर केयर का नंबर समझ के कॉल पिक नहीं करते हैं। अगर आप टिकट रेस कर रहे हो तो कॉल मी का तो ध्यान दीजिएगा कि वो कस्टमर केयर पेटीएम का हो सकता है। तो जैसा कि देख रहे हैं डिफ़ॉल्ट में सब्जेक्ट में आप वो कुछ भी डाल सकते हो आप, और अगर आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो अभी ऑप्शन है यहाँ जो कि स्टार्टिंग है 0124 से, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो ऐसे मैं चलिए मैं आपको पीछे बताता हूँ कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो किस हैं आपके। देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा जो जो आप कॉन्टेक्ट करोगे। देखिए जैसे सारी चीज़ मैंने किया है, मैं ये डेमो के जरिए मैं आपको बताया था, इसलिए सारी चीज़ कंप्लीट नहीं है, मैं इसके लिए यहाँ पर फॉर्मेटिंग ऐसे ही बता रहा हूँ। बाकी का जो भी और चीज़ का आपको डाउट होगा तो कमेंट मुझे करिएगा, मैं आपको ज़रूर इसका आंसर दूंगा, या फ्यूचर में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी ये आप मुझे कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो। तो अब यहाँ पे बात आ गई कि जैसे कि कांटेक्ट करना है, तो कांटेक्ट करने के आप सिंपली आप लिख भी सकते हो उसको, और जो भी कुछ होगा क्वेरी वो भी आप कर सकते हो। और कॉल करना है तो डायरेक्टली आप कॉल कर ले सकते हो, कॉल से डायरेक्ट हेल्प ले लीजिए, सबसे अच्छी बात है ये हेल्प जो कॉल में भी ऑप्शन देख रहे हैं आप, तीसरा वाला जो 20 सेंटर वाला है। तो गाइस ये वीडियो यहीं पे क्लोज करता हूँ, बस इतना ही है। और बाकी का आपको जो भी समझ में नहीं आएगी या फिर कोई भी ऐसा बात अगर डाउट समझ में नहीं आया होगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। और ये वीडियो लाइक और शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब इसको करिएगा प्लीज़, और वो और जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे गाइस।